आज मैं आपके लिए रायते की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है, और इसके साथ साथ तो बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही इजी है। हमारे घर में ये सभी को पसंद आया। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया मैंने 4 से 5 चम्मच साबूदाना, और साबूदाने को एक फ्राई पैन में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लिया। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगा, बस 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने के लिए, और जब ये रोस्ट हो जाएगा इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बाउल में लेंगे हम 1 कटोरी दही, और जितनी हम दही लेंगे उतना ही इसमें हम डाल देंगे पानी, यानी 1 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे, दही के अंदर एक भी लम्स न रहे और ये बहुत स्मूथ हो जाए। साबूदाना अब हमारा ठंडा हो चुका है। अब साबूदाने को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। साबूदाने में ध्यान रखना है कि साबूदाना हमारा गर्म ना हो, ठंडा ही हो, और साबूदाने के ऊपर जितना भी वाइट वाइट पानी आए सबको उतारते हुए हम इसको अच्छे से धो लेंगे। अब दही के अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक और साबूदाना। दोनों चीजों को डालकर हम अच्छे से मिला देंगे, और दही को हम पूरी रात के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सारा साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा और वो कच्चा नहीं रहेगा। अगले दिन हम अपनी दही को फ्रिज में से निकालेंगे और देखिए सारा साबूदाना फूल चुका है और दही भी हमारी थिक हो गई है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक छोक। गरम तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच चने की दाल, 1/2 चम्मच उड़द की धुली हुई दाल, थोड़ी सी सरसों, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, कटी हुई अदरक, करी पत्ता, 15 से 20 मूंगफली के दाने और 15 से 20 भुने हुए चने। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम तेल में ही इन चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पक जाएंगी, जब तेल ठंडा सा होने लगेगा उस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च डालना ऑप्शनल है, पर इसे डालेंगे तो हमारी दही में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। बस तेल ठंडा होने पर हम इसको भी इसमें डाल देंगे और मिला देंगे। जब हमारा सारा सामान अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इस सारे सामान को दही के अंदर डालेंगे, और दही के अंदर डालने के बाद हम इस सारे सामान को अच्छे से मिला देंगे। मैं इसके अंदर सूखा हुआ पुदीना डालना भूल गई थी, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर इसको डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस अब हमारा रायता बनकर तैयार है।